स्टूडेंट्स आप में से काफी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, काउंसलिंग के स्टेप्स क्या होंगे, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होगी, कौन सा कब कॉलेज छोड़ सकते हैं, कब अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें बता दीजिए। मैं एक एक करके 4-5 वीडियोस बता के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे जिनपे बहुत सारे अजीब अजीब डॉक्यूमेंट्स भी मुझे देखने को मिले, तो मैं आपको क्विकली अपडेट कर देता हूं और मेरा सोर्स क्या है वो भी बता देता हूं, ठीक है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि जब आपकी 19 जनवरी को ऑल इंडिया काउंसलिंग चालू होगी, उस प्रोसेस के लिए जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ncc.nic.in पे जब आप एप्लीकेशन भरेंगे, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट की कब जरूरत पड़ेगी, जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे और उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और उसके लिए ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा इश्यूड बाय एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी कि आपको कॉलेज मिल गया, ये वाला कॉलेज मिला है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, आईडी प्रूफ विद फोटो आईडी, ठीक है, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, 10th की मार्कशीट चाहिए, इसके थ्रू वो डेट ऑफ बर्थ स्टैब्लिश करते हैं, 12th की मार्कशीट चाहिए एलिजिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका कास्ट जो आपने अप्लाई किया है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, हालांकि ईडब्ल्यूएस कास्ट नहीं है पर ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट है। फिर नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है एस्पिरेंट्स, उनको वो सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग के टाइम पे नहीं चाहिएगा, स्टेट काउंसिलिंग के टाइम पे चाहिएगा, और एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। मैं कहां से देख रहा हूं, पिछले साल का सीधा उठा के हमने जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हमने नीटपैक के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 40 पाएंगे, देखिए सारी चीजें लिखी हुई हैं, अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये स्कोरशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। इफ मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम, यदि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ, मैं आपसे कह रहा था 10th के सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ की तरह ट्रीट करते हैं। 10+2 का सर्टिफिकेट चाहिए, 10+2 की मार्कशीट चाहिए। यहाँ पे 8 पासपोर्ट साइज लिखा है, मैंने 2 एक्स्ट्रा बोल दिया, 10 पासपोर्ट साइज, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये वो जनरेट होगा जो आपको अलॉट हो रहा है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर एनआरआई ओसीआई कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ये वाली चीजें चाहिए, पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर एम्बेसी सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, रिलेशनशिप एफिडेविट। कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था डोमिसाइल नहीं बोला, हालांकि यहाँ पे सर्टिफिकेट में डोमिसाइल वाले में स्पेलिंग गलत है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं बोला। अब स्टेट्स में जब स्टेट काउंसलिंग होगी, अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे मैं बिहार वाला डॉक्यूमेंट देख रहा था, उसके अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा हुआ है ना, तो कुछ कुछ इस टाइप की चीजें भी हो सकती है, पर ऑल इंडिया काउंसलिंग के हिसाब से सिर्फ इस वाले की जरूरत है। जैसे जैसे स्टेट काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट रिलीज होते जाएंगे, वो रूल देते जाएंगे, हम उसको भी कवर कर लेंगे, तो होपफुली आपको क्लैरिटी आ गई। ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे स्टेट का पता नहीं, डेफिनेटली ऑल इंडिया के अंदर ये रहा पिछले साल का डॉक्यूमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पूछा, गैप सर्टिफिकेट नहीं पूछा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं पूछा, इनकम सर्टिफिकेट नहीं पूछा, ठीक है। तो ये सारी चीजें गाइस, होपफुली आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऑल इंडिया काउंसिलिंग आपका स्टार्ट होने वाला है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग के हिसाब से ये सर्टिफिकेट चाहिए, पर वापस बता रहा हूं आपको, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली सिंपल, आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर देंगे आगे आने वाले वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स की आपको फिजिकल कॉपी चाहिए, जब आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा वहां पे आप रिपोर्ट करेंगे और उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कोई और सवाल है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछे अगले 4-5 वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, स्टेप्स क्या होंगे आपके काउंसलिंग के प्रोसेस के, क्या रूल्स फॉलो होंगे, कब आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेट वर्सेज सेंटर, वो सारी चीजों को, स्टेट वर्सेज ऑल इंडिया काउंसलिंग, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। आज मैंने बैठ के यही वाली चीज बनाई, तो आज ये देखें, तो एक हम आपको बताएंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होगा। आज इन्होंने रिलीज किया है,
एमसीसी की साइट पे अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, पर उसको आराम से एक्सप्लेन कर देंगे आपकी जो स्टेप्स हैं, ठीक है, काउंसलिंग की जो स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स, उनको सबको एक्सप्लेन कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मैंने अभी कवर कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल, इससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। यही डॉक्यूमेंट आपको 19 जनवरी को जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, या एक दो दिन पहले, हो सकता है कल भी कर दें, ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। इसमें स्पेसिफिकली काफी सारी चीजें सेम रहने वाली है, पर मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड की चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो पहली बार ऑल इंडिया लेवल पे सारे कॉलेजेस के होने वाला है। पहले एम, जिपमर, आईएमएस, बीएचयू वगैरह के लिए ही होता था, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहला रिक्वायरमेंट, आपने कहा था डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ यही वाले डॉक्यूमेंट चाहिए ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। स्टेट के क्राइटेरिया डिफरेंट होंगे, कुछ एक दो एडिशनल चीजें मांग सकते हैं, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, पर ऑल इंडिया लेवल पे नहीं मांग रहे। और ये वाला डॉक्यूमेंट मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। कुछ और सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।